वक्त मैं खड़ी हूँ लेंडोर में। यहाँ पे हमने लंच कर लिया है और अब हम जा रहे हैं चार दुकान, जो यहाँ की बहुत फेमस एक लैंडमार्क है। पहले के ज़माने में यहाँ सिर्फ चार दुकानें हुआ करती थी, लेकिन अब वहाँ पर आई थिंक कुछ छः दुकानें हैं। तो चलिए देखते हैं चार दुकान एरिया कैसा है, और उसके बाद हम जाएंगे सिस्टर्स बाज़ार, और उसके बाद क्या करना है ये अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया है, तो ऑन द वे हम डिसाइड करेंगे। तो चलिए चलते हैं, चार दुकान देखते हैं पहले। चार दुकान पहुंचते ही सबसे पहले हमको दिख गया ये प्यारा सा चर्च, जो इतना अट्रैक्टिव दिखता है, आर्किटेक्चरली बहुत ही सुंदर दिख रहा था। इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस भी है मैंने सुना है, बट फ़िलहाल मैं उसमें इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहती, क्योंकि मुझे जाना है अनिल्स कैफ़े, इन चार दुकान, क्योंकि मैंने इनके पैनकेक्स की बहुत तारीफ़ें सुनी है। फ्रेंकली टेलिंग यू, आई एम नॉट अ पैनकेक पर्सन, मुझे पैनकेक्स ज़्यादा पसंद नहीं है, राधा मुझे पैनकेक्स पसंद ही नहीं है, बट मैंने इनके पैनकेक्स की इतनी तारीफ़ सुनी है कि आई एम क्रेविंग टू हैव देम। तो चलिए देखते हैं वेदर दे आर एज़ वर्थ एज़ दे आर हाइप या नहीं। तो चलिए अनिल्स कैफ़े जाते हैं और देखते हैं कि उनके पैनकेक्स मुझे पसंद आते हैं या नहीं। और आपको एक और बात बता दूं, मिस्टर अनिल ने बहुत ही जेनरसली और बहुत ही प्यार से मुझे अलाउ किया है शूट करने के लिए इनकी दुकान में, और इनफैक्ट वो बहुत ही रेडिली अपनी रेसिपी भी मेरे साथ शेयर करने के लिए रेडी हो गए हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं और इनकी रेसिपी देखते हैं। देखो इसमें चीनी डाला, एक कप चीनी, एक कप मैदा, एक चम्मच कोको पाउडर, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, एक अंडा, ठीक है, ये डाल दिया, ये बैटर है, अब इसमें दूध डाल दिया इसको बनाने के लिए, ठीक है। अब इसको मिक्स करेंगे, इसको मिक्स करने के बाद उसमें पैन में डाल देंगे, देख लेना आप, जब इसका पैनकेक बहुत जब इसका बैटर तैयार हो जाएगा ना तब देखा। अब इसमें पैन में थोड़ा सा ऑयल डाला, ठीक है, अब इसको हम डाल देंगे इसमें। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको ढक देंगे, जब ये सूख जाएगा तो उसको पानी। दुकान यहाँ पर कितने साल से है? 50 साल से ज्यादा होगी। 1970 से। ओह गुड। वैसे 1966 में हमारे फादर ने शुरू करा था, फिर 74 से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ उसको। ओह वेरी गुड। ये आप चॉकलेट पैनकेक बना रहे हैं ना? जी, तैयार हो गया, अब इसकी ड्रेसिंग हो रही है बस। अच्छा, कितना यम्मी और टेम्पटिंग दिख रहा है ऑलरेडी। और इसको आइसक्रीम के साथ भी खाते हैं वैसे। अच्छा, वेनिला आइसक्रीम के साथ रखो इस पे आइसक्रीम। वाओ, इसकी सॉफ्टनेस देखिए। विनो, हाउ इज इट? ऑसम, सिंपली ऑसम। दिस पैनकेक इज सो डिलिशियस। मैंने आज तक ऐसा पैनकेक अपनी लाइफ में नहीं खाया। अगर आप लेंडोर जाते हैं तो चार दुकान जाकर अनिल्स कैफ़े में ये पैनकेक खाना
बिल्कुल मिस मत कीजिए। अगर आपको चॉकलेट फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो वहाँ और भी कई सारे पैनकेक्स अवेलेबल हैं। हमने बनाना पैनकेक भी खाया था एंड दैट वाज आल्सो सुपर ऑसम। आई मीन मैं क्या बोलूँ, आई डोंट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब हाउ गुड द पैनकेक्स वर। दे आर एब्सोल्युटली वर्थ इट। एंड एज इफ दोज पैनकेक्स वर नॉट इनफ, हम लोग उसके बाद गए सिस्टर बाज़ार, जहाँ पे हमने लैंडोर बेक हाउस में कुछ केक्स खाए। ज़्यादा तो नहीं खाए, बट सिर्फ टेस्ट करने के लिए थोड़े बहुत केक खाए। और प्रिसाइसली अगर मैं आपको बताऊँ तो वो जो फोर कलर्ड केक आपको दिख रहा है वो हमने वहाँ पर खाया। सिर्फ एक ही स्लाइस ली थी टेस्ट करने के लिए। इट वॉज नॉट टू गुड, इट वॉज ओके। मतलब पैनकेक्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए, यहाँ का जो स्टफ़ था वो मुझे ओके लगा। अंदर सीटिंग अवेलेबल है, एसी नहीं चल रहा था, मुझे थोड़ा गर्म लग रहा था, इसलिए हम लोग जल्दी बाहर आ गए, ज़्यादा देर अंदर नहीं बैठे। लैंडोर बेक हाउस के जस्ट बाहर इतना ब्यूटिफुल एटमोसफियर है, यू कैन एक्चुअली हियर द बर्ड्स चर्पिंग। बेक हाउस से दो तीन दुकानें छोड़कर ही ए प्रकाशन कंपनी की दुकान है, जहाँ की जैम्स, चीज़, पीनट बटर बहुत फेमस है। वो खुद अपनी जैम्स वगैरह बनाते हैं, तो यहाँ से हमने लिए एक एप्रिकॉट जैम की बॉटल और एक मैंगो चटनी की बॉटल, और वहाँ से हम तुरंत ही निकल गए। वहाँ पर कुछ खास ऐसा था नहीं, बस बिकॉज इट्स फेमस फॉर इट्स जैम्स एंड चटनीज़ हम वहाँ पे गए थे। वहाँ से निकलकर हमें जाना था लाल टिब्बा बिफोर सनसेट, तो हम तुरंत वहाँ से निकल गए और नेक्स्ट हमारा स्टॉप होगा लाल टिब्बा। लाल टिब्बा बेसिकली एक हाई पॉइंट है ऑफ लैंडोर, जहाँ से सनसेट बहुत खूबसूरत दिखता है और ऑब्वियसली व्यू पॉइंट है तो व्यूज़ तो बहुत खूबसूरत दिखते ही होंगे। सिस्टर बाज़ार से लाल टिब्बा पहुँचने में हमें हार्डली 5 to 7 minutes लगे, और वहाँ पर कार पार्किंग इनफ अवेलेबल थी। और यहाँ पर बेसिकली एक कैफ़े है जिसके टेरेस से सनसेट के ऑसम व्यूज़ आप एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ पर बाइनोक्यूलर्स भी लगाए गए हैं, तो बाइनोक्स से भी आप व्यूज़ को एंजॉय कर सकते हैं। वहाँ की एंट्री चार्ज कुछ 50 rupees पर पर्सन है। तो चलिए लाल टिब्बा पर चलते हैं और सनसेट के व्यूज़ एंजॉय करते हैं। डूबते सूरज के नज़ारे के साथ ही आज का ये वीडियो एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। मैं आपसे मिलूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।